चलिए आगे का फोटो दिखाते हैं, बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के चैनल में आप सभी का दिल दिल से स्वागत है, तो प्लीज सपोर्ट करें। और ये देखिए, इसमें लहसुन प्याज अदरक मिर्च को हमने काट लिया है, कद्दूकस कर लिया है इसमें। सो अब हम इसको सब्जी में डालने के लिए इसी से बनाएंगे, क्योंकि हमने ग्राइंड नहीं किया है इसमें इसको कद्दूकस। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब लोग, एंड गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, मैं तो बढ़िया हूँ, आई होप सो आप सब लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं किचन में हूँ, खाना भी नहीं बनाया है दोपहर का, तो अभी मैं बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गैस ऑन है और कढ़ाई भी रखी हुई, तो हम पकौड़ी बना रहे हैं। ये पकौड़ी लौकी की है, सो इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ, कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। और हाँ, जिसको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, और हमारे ब्लॉग वीडियो भी कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए हम दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं लौकी की पकौड़ी। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया और उसमें जो भी पकौड़ी वाली चीज़ें होती है, जैसे बेसन, नमक, मिर्च, हल्का मसाला, ये सब डाल के पकौड़ी बना रहे हैं। और पकौड़ी की काफ़ी टेस्टी भी होती है, तो सब हम एक ही बार इसको डाल देते हैं। चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसको पलट लिया है और अच्छी तरह से पक रही है, थोड़ा ही था तो इसलिए हमने थोड़ा ही तेल इसमें डाला है। तो इतना हमने देखिए बना के निकाल लिया है और इतना बन रही है, जिसका हम सब्जी बनाएंगे। तो इसका हम रेसिपी को नहीं दिखा पाए कैसे कैसे था। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के चैनल में आप सभी का दिल दिल से स्वागत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये देखिए, इसमें लहसुन प्याज अदरक मिर्च को हमने काट लिया है, कद्दूकस कर लिया है इसमें। सो अब हम इसको सब्जी में डालने के लिए इसी से बनाएंगे, क्योंकि हमने ग्राइंड नहीं किया है इसमें, इसको कद्दूकस कर लिया है। उसमें ज़्यादा वो सो एकदम महीन हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा मोटा मोटा रहता है। हमारा पकौड़ी भी बढ़ के रेडी हो गया, तो हम सब्जी भी इसी में बनाएंगे, थोड़ी कढ़ाई में बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने काट लिया है और अब हम इसको धो देते हैं। तो फ्रेंड्स, पकौड़ी को निकाल लेते हैं, देखो एक ही बार निकल आई, एक ही दिखाई। चलिए आगे दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो बचा हुआ तेल है इसमें कढ़ाई में, उसे हम सब्जी बनाएंगे। सो उसके लिए हमने देखिए ले लिया है मसाला, इसमें एक चम्मच गर्म मसाला है और क्या बोलते हैं जीरा और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर है और सब्जी मसाला एक चम्मच। और यहाँ हमने खड़े मसाले लिए हैं, हींग, तेजपत्ता, लौंग, इलायची और एक थोड़े गर्म मसाले हैं, जीरा है। तो चलिए काटी गई और मौका लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही सब डालेंगे और ये टमाटर है, इसको भी हम काट लेते हैं। चाकू से हम इसको प्लेट में इसी वाले काट लेंगे, इसको हम इसे डाल देते हैं डाल दिया। और हरी मिर्च हमने इसे काट ली थी, तो थोड़ा सा वो हो गया, इसको डाल देते हैं। तेजपत्ता जो है तो हम इसमें डाल देते हैं, अदरक वादी प्याज मिर्च का पेस्ट है, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं प्याज हमारी बन गई है, टमाटर को हम काट लेते हैं। चलो गया चार कहा गाना क्या होगा, तो ये टमाटर भी हमने डाले तो ये ब्राउन हो गया है। तो ब्लॉग में आप लोग काटी नहीं लगी और जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आप लोग को। तो हम लौकी की सब्जी किस तरह से बनाते हैं, कोफ्ता भी बनता है, तो कोफ्ता ही समझ लीजिए, हमने पकौड़ी बनाया तो पकौड़ी खानी है। इसमें सब्जी मसाला भी डाल देते हैं और उसमें डालेंगे थोड़ा पानी, पहले इसको हम चला लेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा सा और इसे कम कर देंगे, वरना उल्टा देखिए। चलिए, हमारी सब्जी भी तैयार है, समझ लीजिए सब्जी मसाला पक गया, फिर उसमें हम डाल देंगे देखिए ना, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ी नमक डाल रखा है, तो इतना नमक देरी के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर देख सकते हैं थोड़ा ही कढ़ाई की छोटी है, इसी जल्दी काफ़ी आई ढक देंगे 10 मिनट में इससे कम ही लग जाएगा, जाके छोटा है ना, जल्दी जल्दी चल जाता है। सो ये ढक्कन छोटा, ये सही है, ये देखिए पूरा लग गया, तो फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं सब्जी हमारी पक चुकी है, फ्लेम हमने बंद कर दी। सो ये हमने धनिया काट के रखा है, सो हम इसको इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर से, अच्छा लगता है। चलिए मैं दिखाती हूँ। सो ये देखिए हमारी सब्जी कैसी बनी हुई है, अच्छी लग रही है ना।
सो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कोफ्ता भी लगभग ऐसे ही बनता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं बनाना है रोटी, तो चलिए आटा लगा लेते हैं। सब्जी तो बन चुकी, सो हम रख देते हैं एक तरफ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने चावल धो के ले लिया है, पानी में डाल दिया, हम उसको रख देते हैं एक तरफ पकने के लिए। पकी मेरे भगोने का हैंडल निकल गया है। सो देख सकते हैं हमने आटा ले लिया है, हम आटा गूंथ लेते हैं फिर आपको सुनते हैं। आटा को गूंथ लेते हैं पहले, थोड़ा पानी में ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा ही आटा गूंथना पड़ता है दो लोग के लिए, कितना बच गया है। सो फ्रेंड्स आटा हमारा गूंथा गया है, ये देखिए। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सूखा आटा लेंगे थोड़ा सा, सो हमने इसमें रखा हुआ। तो चलिए रोटी बना दिखाते हैं, तो इसको हम इधर रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स चावल को हम इधर पलट देते हैं और इसमें रख लेते हैं तवा। सब्जी हमने रख दी है तो रोटी बना लेते हैं जल्दी से, काफ़ी आ रही है। खाने के लिए हमने ले लिया है चौकी बेलन, चौथा बेलन हमने ब्रेड रखा है, इसको इसको रख देते हैं। तो चलिए बना दिखा, देख सकते हैं एक साइड हमारा चावल उबल रहा है अच्छे से और इधर हमें बनानी है रोटी। जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं, चावल नहीं बनानी, चार पांच रोटी बनानी है बस। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी गोल गोल हो रही है, तवा गरम है इसमें डाल देते हैं, रोटी भी बना लेते हैं इसे ऐसे ही। सभी रोटियां बना लेंगे फिर, इसे देख सकते हैं ये रोटी हमारी पक चुकी है, तो उसको उतार लेते हैं। इसे हम फुला लेते हैं इस तरह से, ये कुचल गई है, इस तरह से हम सभी रोटी को बना लेते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं रोटियां हमारी बन चुकी हैं। तो ये दो लोहियाँ और बची है, इसके लिए सरप्राइज है। सो हमारा खाने का बनने तो हम बनाने जा रहे हैं लास्ट में, हस्बैंड नहीं खाते मैं खाऊंगी। तो ये देखिए खोआ है और चीनी है, तो इसे भर के हम पूरी बनाएंगे एक तो ये देखिए दो लोहियों की हमने चकरी बना ली है ऐसे, क्योंकि ये सिंगल में बनाएंगे फूट जाएगा। सो ऐसे दोनों को बराबर कर लेंगे इस तरह से और इसमें भरेंगे हम ये खोआ। देखते हैं कैसा लगता है, पहली बार बना रही ऐसे ही आया तो सोचा बना लेते हैं। और इसको हम इस पर चिपका लेंगे रख के, इसको रख देंगे साइड में। तो इसको हम ऐसे बंद करेंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से हम इसको बेल भी सकते हैं, जैसे वो पराठा बनाते हैं आलू का ना, फूटता नहीं है इस तरह से, वैसे चकली में बनाएंगे फूट जाता है। अब देखिए इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, उसके बाद इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। चलिए दिखाते हैं, तो इसको बेल लेते हैं धीरे धीरे करके, इसे फूटेगा नहीं है, दबा के ज़्यादा नहीं बेलना है क्योंकि ये दो रोटियाँ हैं तो ऐसे भी फूटेगी नहीं, दो चिपकी हुई रोटियाँ, थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा ऐसे ये फूटेगा नहीं और पक भी जाएगा। ये देखिए पूरी गोल हो गई ना, और इसको हम डाल देंगे तवे पे। तो ये लास्ट था और फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, चला देते हैं साइड में। सो फिर देख सकते हैं मैं फ्लेम ऑन कर दिया और ये रिफाइन, सो इस ढक्कन से डाल देते, देखिए है ना, इसलिए ढक्कन से डाल के चम्मच से इसे फैला देंगे। तो सो चलिए दिखाते हैं, वैसे ही अच्छा बनेगा, टेस्टी होता है। कभी कभी मेरा मीठा खाने का मन करता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चीनी भर के रोटी बना लो या फिर कुछ रखा है तो उसे भर के बना लो। सो ये देखिए हमने ऑयल डाल दिया, तो इसे बोल सकते हैं मीठा पराठा, वो भी खोए वाला। इसको पलट लेते हैं ऐसे, तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा पक रहा है, जलेगा नहीं जाता है, जल्दी जल्दी ऐसे पलट पलट के दोनों तरफ का पका लेंगे। देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी मस्त बनी है, ऐसा लग रहा है चिकन उकन बना है, चिकन चिकन बोलने में रोटी जल्दी। ये देखिए थोड़ा सा चढ़ गई है, बस सही है, फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि ये पक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड हम इसको सर्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने चावल को निकाल लिया है, कटोरी में हम सब्जी ले लेते हैं, तो हस्बैंड जब खाना भी खाएंगे। और ये हमारी मीठी रोटी भी बनके तैयार हो गई है, तो इसका हम इसमें रख देते हैं, चलते हैं। सो फ्रेंड्स इसको हम उतार लेते हैं, सो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगा। सो ये देखिए हमने खाना सर्व कर लिया है और हम अपने हस्बैंड को देने के लिए जाएंगे। सो देखिए कितना टेस्टी बना है, आइए आप लोग भी खा लीजिए, कैसा लग रहा है चिकन है ना, है ना। सो फ्रेंड आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा किचन का, सो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। सो मेरी भी कम से थोड़ी आधा हम 1000 के नीचे ही है, सो 500 मेरी फैमिली हो चुकी है, सो आगे भी मेरी फैमिली बढ़ जाए, आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़। सो ये देखिए खाना हमने बना लिया है, तो जिसको जिसको खाना है प्लीज़ आ जाए हमारे यहाँ। सो बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो।
सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए हम ये ब्लॉग यही एंड करते हैं। ब्लॉग काफी लंबा हो गया है, सो किचन का बनाते तो काफी लंबा हो ही जाता है। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, है ना, क्योंकि भैया जी सभी लोग से पूछ रही है, सो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी के लिए ब्लॉग हम एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, खुशियां बांटें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तभी के लिए बाय बाय।